नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें यह देखकर दुख होता है कि मकपा विपक्षी इंडिया गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल कर रही है। मध्य कोलकाता में पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर अपनी तृणमूल कांग्रेस की सद्भावना रैली के अंत में एक सभा में उन्होंने कहा कि इंडिया नाम मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि माकपा को विपक्षी गठबंधन की बैठकों के एजेंडे को कंट्रोल करने की अनुमति दी जा रही है तो मुझे दुख होता है। मैं इसे कभी कबूल नहीं कर सकती। मुझे दुख होता है क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के शासन को खत्म करने के लिए 34 साल तक संघर्ष किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह के तौर तरीके भाजपा को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं जो पहले ही शुरू हो चुकी है, मगर इसमें बाधाएं पैदा की जा रही हैं। लड़ाई जारी रहेगी, हम कायर नहीं हैं, हम लड़ेंगे। हम एक भी सीट पर भाजपा के लिए एक इंच भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रवृत्ति के खिलाफ संघर्ष में पश्चिम बंगाल अहम भूमिका निभाएगा। माकपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बारे में उनकी टिप्पणी उस दिन आई जब यह जानकारी सामने आई कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य और राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के साथ निजी रूप से बातचीत की, जिससे माकपा के मोहम्मद सलीम को कांग्रेस की न्याय यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भी आमंत्रित किया जा सके। जब राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी तो उसमें शामिल होने के लिए सलीम को बुलाया गया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणियों ने इस बात को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है कि क्या तृणमूल राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अपने प्रतिनिधि भेजेगी या नहीं, और लगातार इंडिया अलायंस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।